नमस्कार। रूबरू कार्यक्रम में मैं ओम कसारा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ हैं वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त आयुक्त गोकुल रामजी चौधरी। जीएसटी लागू होने के बाद में व्यापारियों के समक्ष जो भी व्यवहारिक परेशानी आ रही है, जो भी उनके मन में भ्रांतियाँ हैं, उसे दूर करने के लिए गोकुल राम जी अपनी पूरी टीम के साथ में दिन रात कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। गोकुल राम चौधरी का जन्म 1 अप्रैल 1959 को नागौर जिले की मेड़ता तहसील के उसी लापोलई गाँव में हुआ था जो राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। गोकुल राम के पिता स्वर्गीय उग्रा राम जी ने अथक परिश्रम करके अपने पुत्र को सिविल इंजीनियर बनाया। कालांतर में जब गोकुल राम की प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई तो वाणिज्यिक कर विभाग ही इनकी कर्मभूमि बन गया। मजे की बात यह है कि उच्च सरकारी पद पर आसीन होने के बावजूद गोकुल राम को जब भी मौका मिलता है वो खेतीबाड़ी करने का आनंद उठाने से नहीं चूकते। अपने पिता की ही भांति गोकुल राम ने भी अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। उसी का सुपरिणाम है कि इनके एक पुत्र अहमदाबाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हैं तो दूसरे ONGC में कानूनी सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वाणिज्यिक कर विभाग के जॉइंट कमिश्नर होने के नाते गोकुल राम के पास भिलवाड़ा सहित राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले की भी जिम्मेदारी है, लिहाजा इन्होंने इन चारों जिलों के लगभग सभी तहसील मुख्यालयों पर GST संबंधी कार्यशालाओं का आयोजन किया और व्यापारियों के मन में GST को लेकर व्याप्त शंकाओं का समाधान करने में भी काफ़ी हद तक सफलता हासिल की। तो आइए बातचीत करते हैं गोकुल राम जी से। रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि GST क्या है और ये वेट से किस प्रकार से भिन्न है। ऐसा है कि GST एक वेट का ही एडवांस रूप है। वेट में राज्य के बाहर से जो माल परचेज किया जाता था उस पर इनपुट मिलने की व्यवस्था नहीं थी। GST में व्यापारी राजस्थान से या राजस्थान के बाहर से अगर माल खरीदता है तो उसको अपनी खरीद के क्रम में इनपुट का बेनिफिट मिलेगा। एक रूप से ये एडवांस वेट है और इसमें इन जो पहले वेट में कुछ चीज़ों पे टैक्स लगता था, सेंट्रल एक्साइज लगता था, वेट लगता था, कई तरह के टैक्स लगते थे, तो टैक्स ऑन टैक्स का जो कंसेप्ट था जिसको हम कास्केडिंग इफेक्ट कह सकते हैं वो अब GST में नहीं रहेगा। बिल्कुल कर पे कर लगने के युग का एक तरह से अंत हो गया और इससे अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटेगी, उत्पाद सस्ते होंगे और इनडायरेक्टली कंज्यूमर्स को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, GST से जो व्यापारी हैं उनको क्या लाभ होने वाला है? व्यापारियों को भी जैसे मैंने बताया कि भाई जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और उनको निर्बाध रूप से हर स्तर से, हर प्रांत से, हर जगह से जो खरीद की जाएगी तो उनके ITC मिलेगी, उनका कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और अपना उत्पाद और प्रोडक्ट सस्ता होगा। अच्छा, जो GST है तो इस GST के लागू होने के बाद में तो क्या प्रत्येक व्यापारी को इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा? ना, ऐसा नहीं है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ में जो रजिस्टर्ड है उन लोगों के लिए माइग्रेशन की व्यवस्था की गई है। वो लोग अपना जो विभाग ने उनको प्रोविजनल ID दिए और पासवर्ड दिया है उसके आधार पर GST पोर्टल पर जाकर अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं और जो वांछित जो सूचनाएँ हैं वो उनको स्कैन करके अपलोड करने पर उनको फाइनली GST में माइग्रेटेड मान लिया जाएगा और उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। दूसरे जो व्यापारी जो अभी इसके दायरे में नहीं है और जिनका टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा का है, पिछले वित्तीय वर्ष 16-17 में अगर किसी व्यापारी का टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो रहा तो उसको GST में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अदरवाइज 20 लाख तक के टर्नओवर के से कम टर्नओवर वालों व्यापारियों को रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक नहीं है। कुछ एक इसमें अपवाद है, जैसे अगर मान लो कोई व्यापारी राज्य के बाहर माल बेचता है तो ये 20 लाख का लिमिट उसके लिए लागू नहीं होगी, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जैसे कोई टैक्स डिडक्टर है, टैक्स कलेक्शन है एट सोर्स कर रहा है और रिवर्स चार्ज मैकेजिंग में उसकी टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है तो उसको विदाउट थ्रेशोल्ड लिमिट को नहीं मानते हुए उसको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कैजुअल ट्रेडर से जो कभी कभार मान लो 3-4 महीने के लिए साल में व्यापार करता है उसके लिए भी थ्रेशोल्ड की लिमिट लागू नहीं है। अमूमन 20 लाख तक का जो थ्रेशोल्ड है उसके दायरे में जो नहीं आ रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, अगर लिमिट एक्सीड होती तो उनको रजिस्ट्रेशन लेना होगा।
अच्छा, एक मान लीजिए कि यदि कोई व्यापारी कर मुक्त और कर योग्य वस्तुओं का दोनों का एक साथ व्यापार करता है, और जो कर मुक्त जो उसकी वस्तुएं हैं उसका टर्नओवर उसका साल का 75 लाख रुपए है, और जो कर योग्य वस्तुएं हैं उसका टर्नओवर लगभग 10 लाख रुपए है या 10 लाख से कम है, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहेगा? निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। जिसका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हो गया तो निश्चित रूप से उसको टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है रजिस्ट्रेशन लेगा होगा लेना होगा। टर्नओवर इसमें वो माना गया है किसी व्यापारी का टैक्सेबल टर्नओवर, टैक्स फ्री टर्नओवर, इवन की एक्सपोर्ट, इन तीनों चीज़ों को मिला के एग्रीगेट टर्नओवर माना गया है, और उस टर्नओवर लिमिट से अगर कोई एक्सीड करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, चाहे वो कर मुक्त। लेकिन अगर कोई टोटली एग्जेम्प्टेड और करमुक्त वस्तुओं में डील कर रहा है तो उसका टर्नओवर चाहे कितना भी हो उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं, केवल करमुक्त जो व्यापार कर रहा है। अच्छा, यदि कोई व्यापारी अलग अलग राज्यों में व्यापार करता है तो क्या उसे सभी संबंधित स्थानों पर अलग अलग उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा? GST पैन बेस्ड व्यवस्था है। अगर मान लो एक व्यापारी का राजस्थान में भी कोई कारोबार है और उसका गुजरात और MP में भी कोई कारोबार है और वो तीनों का टर्नओवर पिछले वर्ष में 20 लाख से ज़्यादा है तो उसको तीनों स्थान पे अपने अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम के तहत जो व्यापारी हैं वो क्या बाहर से भी माल खरीद सकते हैं? बिल्कुल, पहले VAT में ये प्रोविज़न नहीं था, वो लोग अब GST में राज्य के बाहर से भी माल मंगा सकते हैं। ये एक GST में बड़ी सुविधा दी गई है उनको कि वो आउट ऑफ राजस्थान से भी माल परचेज कर सकते हैं। अच्छा, GST को लेकर के व्यापारियों में एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि इसमें 37 रिटर्न भरने पड़ेंगे, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? ना देखो, ये रिटर्न ये ज़रूर है कि पहले VAT में जैसे अपने यहाँ व्यवस्था थी क्वार्टरली रिटर्न देने की, तो वो व्यवस्था GST में बदल के मंथली कर दी गई है। मंथली रिटर्न ही पेश करने हैं, लेकिन रिटर्न जैसे मान लो एक ही रिटर्न है उसके 3 स्टेप दिए गए। जैसे पहला रिटर्न है जो इसमें अपने को आउटवर्ड सप्लाई को अपलोड करना है, तो रिटर्न एक हुआ। अब उसके साथ में उसकी परचेज़ का जो रिटर्न 2 है, GSTR 2 है, वो जब आउटवर्ड सप्लाई कोई सेलर अपने सिस्टम से अपलोड करेगा तो GSTR 2 परचेजर का ऑटोमेटिक ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसको बस केवल देख के उसको ओके करना, इसमें उसका GSTR सबमिट हो जाएगा। तो ये केवल एक अपना परचेज का स्टेटमेंट है जो ऑटो पॉपुलेटेड होगा, उसको व्यापारी को केवल अगर मैच है प्रॉपरली उसकी सूचना तो उसको यस करके ओके करना है, अदरवाइज उसमें कोई थोड़ा बहुत कहीं मिसमैच है तो उसको अपनी तरफ से करेक्शन करके वापस सप्लायर को अपलोड करना होगा। उसके ओके करने पर GSTR 2 ओके हो जाएगा। GSTR 3 ये 2 और 1 का एब्स्ट्रैक्ट है जिसमें उसकी आउटपुट लाइबिलिटी क्या होगी वो लाइबिलिटी तय करेगा। ये भी मतलब आपका अगर आउटपुट इतना है और इनपुट इतना है तो लाइबिलिटी कितनी आएगी ये भी ऑटोमेटिक भरा जाएगा। इसलिए रिटर्न तो एक ही है लेकिन स्टेप उसके 3 बताए गए, अलग अलग स्टेप 3 होने की वजह से लोग इसको मंथली 3 रिटर्न का नाम दे देते हैं और इस तरह से वो 12 या 36 करके 36 रिटर्न और एक एनुअल रिटर्न का नाम दे रहे हैं, जो कि वास्तव में रिटर्न 12 ही बनने हैं। ये इनके आगे कंटिन्यूस स्टेप है जिसमें अपने को परचेज और लाइबिलिटी संबंधी स्टेटमेंट भरने होते हैं। अच्छा, GSTR 1 में जो क्या बुनियादी जानकारियाँ देनी होगी? GSTR 1 में जो आपको बिजनेस टू बिजनेस जो आपने सप्लाई किया है गुड्स एंड सर्विस, उसमें बिल का आपको इनवॉइस नंबर डालना है, डेट डालनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या रहे उसकी और रेट ऑफ टैक्स क्या है, ये चीज़ें बुनियादी उसमें भरनी होती है। किसी तरह का बिल का अपलोडेशन उसमें नहीं है, केवल बिल की डिटेल देनी है और वो भी B2B डीलर्स की देनी है। अगर B2C कोई ट्रांजेक्शन है, B2C का मतलब है बिजनेस टू कंज्यूमर, तो आपको उसकी लमसम डिटेल देनी है, इतना अमाउंट इस रेट का मैंने इस स्टेट को बेचा है, वो उसकी डिटेल भरनी है। अच्छा, GST को लेकर के एक बहुत बड़ी भ्रांति ये भी है कि अब जो व्यापारी है उनको सारे बिल ऑनलाइन काटने पड़ेंगे, और मान लीजिए किसी ने मैनुअल बिल काटे हैं तो उनको भी GST की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड करना पड़ेगा, तो इसमें क्या सच ना? ये बिल्कुल बिल्कुल निराधार बात है। ना तो आपको ऑनलाइन बिलिंग करनी है,
और बिलिंग का अगर पैटर्न आपका मैनुअल है पहले की तरह तो आप मैनुअल बिलिंग बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर टेली बीजी या कॉम्प्यूवेट वगैरह जैसा भी कोई सॉफ्टवेयर आप उससे पहले से आप बिलिंग कर रहे हो तो वही सॉफ्टवेयर आपको जीएसटी रिजिम के अनुसार अपग्रेड करके उसको कैलिब्रेशन करके उसका यूज़ आप जीएसटी में भी कर सकते हैं। और मैनुअल बिल पे कहीं कोई पाबंदी नहीं, आराम से मैनुअल बुक्स भी बनाई जा सकती है, मैनुअली आपको बिल भी जारी कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन बिलिंग का कोई और कोई करना चाहे वो अलग उनका फैसिलिटी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई कहीं पाबंदी नहीं कि सब ऑनलाइन बिलिंग की जाए, और ना ही बिलों को कहीं किसी तरह से जीएसटी पोर्टल पर एज ए रिटर्न आपको अपलोड करना है, केवल डिटेल्स देनी है। अच्छा, जीएसटी में कर का भुगतान कब करना होगा? कर के भुगतान जो मंथली जिनको रिटर्न की लायबिलिटी है, जो नॉर्मल डीलर है जीएसटी के, उनको नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक लायबिलिटी रिटर्न के आधार पर उनको अपना टैक्स जमा कराना होता है, और जो कंपोजिशन के डीलर हैं उनको क्वार्टरली रिटर्न भरना है, और क्वार्टर ख़त्म होने पे नेक्स्ट मंथ की 18 तारीख तक उनको रिटर्न भरना है। मैं यहाँ आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि जुलाई और अगस्त के रिटर्न में जीएसटी काउंसिल ने शीतलता बरते हुए इनकी रिटर्न सितंबर माह में भरने का प्रावधान किया है, ताकि मतलब वेट की व्यवस्था को समझ के और व्यापारियों को जो भी कठिनाई आ रही है उनसे थोड़ा उनको राहत मिलेगी और वो अपने रिटर्न जुलाई और अगस्त के सितंबर माह में भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, जो व्यापारी एक्साइज ड्यूटी चुका करके आए हैं तो उन्हें वापस इनपुट कब मिलेगा, क्रेडिट वगैरह? जो एक्साइज लो में रजिस्टर्ड है और उनका जो 30 जून का जो रिटर्न है, उस रिटर्न में अगर उनकी कोई क्रेडिट एक्सेस क्रेडिट ITC अगर कैरी फॉरवर्ड हो रही है तो उस वो क्रेडिट उसके ITC क्रेडिट लेजर में CGST के रूप में रिफ्लेक्ट होगी, और स्टॉक में अगर उसका कोई ITC शेष है और उसके पास बिल में अगर ड्यूटी लगी हुई सो हो रही है तो वो उतना का उतना अमाउंट उसको क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा। अगर मान लो उसके पास बिल है और उसमें कहीं ड्यूटी सेपरेटली शो नहीं हो रही है तो डीम्ड क्रेडिट के रूप में भी उसको ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट के आधार पर ITC CGST के रूप में मिल जाएगा। अच्छा, कई व्यापारी ऐसे हैं जो ऑनलाइन प्रक्रिया से बिल्कुल अनजान है, और कई गांव भी ऐसे हैं जहां पर कि जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल माकूल नहीं होती, तो ऐसे में व्यापारी GST को लेकर फिर व्यापार कैसे कर पाएगा? देखो, व्यापार करने में ऑनलाइन की आवश्यकता नहीं है, आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको अपनी बिलिंग आप मैनुअल कर सकते हैं, आपके बही खाते आप मैनुअली बना सकते हैं, केवल आपको करना यह है कि जिस दिन आपको रिटर्न भरना है उस दिन आपको इंटरनेट की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास मान लो कि आपने पूरी अपनी सप्लाई को एक एक्सेल शीट में टाइप कर लिया है तो आप उसको एक सिंगल क्लिक बटन से GST पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, उस दिन आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। डे टू डे वर्किंग में ना तो इंटरनेट की आवश्यकता है ना कंप्यूटर की आवश्यकता है, आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है उसे आप बिलिंग करते हो तो कोई अच्छी बात है, सुविधाजनक है ये, और नहीं है तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। इंटरनेट और कनेक्टिविटी की बात तब आती है जब आपको रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करना होता है, उस दिन ज़रूर आपको ये व्यवस्था होनी चाहिए, और बाकी अदरवाइज आपके डे टू डे व्यापार में इंटरनेट और इस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अच्छा, अभी जो GST को लेकर के आपके विभाग के द्वारा जो व्यापारी हैं अनजान है GST से, तो उनको क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही है जानकारी संबंध? आपको मैं बता दूं कि हमारे संभाग में पिछले मई और जून दोनों महीनों में हमने लगातार लगभग 45 से 50 GST अवेयरनेस कैंप्स किए थे, सेमिनार किए थे, हर तहसील स्तर तक, उप तहसील स्तर तक हमारी विभागीय टीमों ने वहाँ जाके लोगों को, व्यापारियों को, जो भी GST के स्टेक होल्डर्स हैं उनको GST के प्रोविज़न, रूल्स, एक्ट और प्रोसेस के बारे में सारी जानकारियां दी है, और कई तरह के मतलब जो भी क्वेरीज आई उनका शंका समाधान किया गया, और हर जिले स्तर पर विभाग की तरफ से एक GST हेल्प डेस्क संचालित की जा रही है जिसके नोडल अधिकारी जिले के संबंधित वाणिज्यिक अधिकारी हैं, और एक GST हेल्प पोर्टल हमारे स्टेट लेवल पर भी काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम बराबर व्यापारियों की जो भी क्वेरीज आती है
उनका बाकायदा तत्परता से उनकी जवाब देते हैं, और जो क्वेरी हम नहीं सोल्व कर पाते हैं, हमें लगता है अभी इसका प्रॉपर हम रिप्लाई नहीं दे पा रहे, तो हमारा जो GST पैनल एक्सपर्ट पैनल जो जयपुर बैठता है उनको हम हमारी क्वेरीज को भेजते हैं, उनसे जो जो रिप्लाई आता है वो हम संबंधित स्टेक होल्डर प्रश्नकर्ता को वापस कम्युनिकेट करते हैं। अच्छा, जो GST को लेकर के आपने जो बताया जैसे हेल्प डेस्क बनी हुई है, तो इसी में कई बार एक व्यापारी जो है वो ये भी जानकारी ज़्यादातर आ रही है कि जो माल का परिवहन करेंगे तो उस समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी? माल के परिवहन के लेकर सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि जो पुरानी वेट रिजिम में हमारे यहाँ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट मतलब मूवमेंट के दौरान में वेट 47A और 49 फॉर्म्स हुआ करते थे जिनको रोड परमिट कहते हैं, वो व्यवस्था 1 जुलाई से बंद हो गई है। अब चूँकि अभी तक GST के ई वे बिल्स फॉर्मुलेट नहीं हुए, फाइनल नहीं हुए, तब तक ये है कि जो माल से संबंधित आपका कोई चालान है, बिल है, इनवॉइस है, बिल्टी है, ये डॉक्यूमेंट अनिवार्य है, ये पहले भी थे और आज भी है। अच्छा, व्यापारी के लिए जो रिफंड प्राप्त करना है उसे, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? सारी प्रक्रिया GST में, चाहे रिफंड हो, रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न हो, पेमेंट हो, ऑनलाइन है, तो रिफंड की प्रक्रिया भी बहुत सरलीकृत रहेगी और ऑनलाइन होगी। व्यापारी अपना रिफंड 90 दिन के अंदर अंदर आपका अप्लाई कर सकता है, और अगर 2 लाख तक का रिफंड है तो उसमें कोई बिना फॉर्मेलिटीज़ की पालना किए बगैर, जांच किए बगैर उसको तुरंत 2 लाख तक का रिफंड दे दिया जाएगा। और अगर मान लो कि 2 लाख से ज़्यादा का रिफंड है तो प्रोविजनल रिफंड 90% उसको 7 दिन के अंदर दे दिया जाएगा। अच्छा, GST को लेकर के व्यापारियों में एक भय ये भी है कि इसमें सजा का प्रावधान है, तो इसे आप थोड़ा सा स्पष्ट करें। हाँ, ये जो जिसमें 5 करोड़ से ऊपर तक का कोई टैक्स का इन्वॉल्वमेंट है और उसमें किसी का अगर दोष साबित होता तो जांच बाद में उसमें कुछ प्रावधान GST में इस तरह के किए हुए हैं, बाकी आम छोटे मामलों में इस तरह का कोई सजा का प्रावधान नहीं है। तो जो छोटे व्यापारियों में भय व्याप्त है ना, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उनको ऐसा कुछ डर रखना चाहिए मन में या नहीं? ऐसा नहीं नहीं नहीं, उल्टा देखो, आपके मैं वेट में पहले रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख थी, GST में बढ़ा के 20 लाख करती, जो 20 लाख से कम का सालाना कारोबार करते हैं उनको तो रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए तो किसी तरह का कोई विभाग का कोई कंप्लाइंस करनी ही नहीं है। नंबर 2, अगर जो व्यापारी अपना कारोबार 75 लाख तक करते हैं, ऐसे छोटे व्यापारियों के लिए सरलीकृत व्यवस्था आई है, कंपोजिशन की स्कीम आई है, तो उसमें उनको कंप्लाइंस कम करनी पड़ेगी, कंप्लाइंस कॉस्ट उनकी कम होगी और उनको एक सरलीकृत व्यवस्था के तहत अपना जो टर्नओवर है उसके आधार पर 1% टैक्स देना है, तो निश्चित रूप से छोटे और मध्यम कारोबारियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है GST में। और आपको मैं बता दूं कि जो मैन्युफैक्चरर है, जिनके लिए पहले कंपोजिशन की व्यवस्था GST वेट में नहीं थी, उनके लिए जो 75 लाख तक के जो मैन्युफैक्चरर है, छोटे उद्यमी है, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है, वो भी अगर आप कंपोजिशन स्कीम के तहत आना चाहते हैं तो 2% अपने टर्नओवर पर टैक्स चुकाए, 1% स्टेट का, 1% सेंटर का, तो वो भी इस कंपोजिशन का लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार छोटे लघु और मध्यम उद्यमियों के लिए तो GST में बहुत कुछ सरलीकरण और अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, इसलिए छोटे व्यापारियों को GST से डरने की या घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक तो जो भीलवाड़ा वस्त्र नगरी है और यहाँ के जो कपड़ा व्यापारी हैं, तो उनको ये लग रहा है कि GST के बाद में बड़े व्यापारियों को और बड़े उद्योगों को तो बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जो छोटे उद्योग हैं वो बर्बाद हो जाएंगे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है कि कपड़े पे जो भी टैक्सेशन किया है तो ये GST काउंसिल का डिसीजन है, एक पॉलिसी मैटर है, और जो भी इनकी कोई GST को लेके कोई विसंगति है, विरोध है, तो उसका जो भी ज्ञापन आया है वो सरकार के माध्यम से GST काउंसिल को भिजवा दिया जाएगा और जो भी निर्णय लेगा वो जो GST काउंसिल को करना है। अच्छा, GST को लेकर के जो आम व्यापारी हैं, तो इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा यही है संदेश कि जो जिन लोगों ने अब तक जो पहले से रजिस्टर्ड है और जिन्होंने माइग्रेशन नहीं कराया है वो अपना माइग्रेशन करा लें, और जिन्होंने प्रोविजनली माइग्रेशन करा लिया है उनके लिए 3 महीने का समय है कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट GST पोर्टल पे अपलोड करा ले और फाइनली माइग्रेट हो जाए, ताकि उनको आगे
निर्बाध रूप से व्यापार करने में कोई तकलीफ नहीं आए। दूसरा जीएसटी को लेके ये आ रहे हैं भाई कहीं कहीं भाई बिल कैसे बनाए, क्या किस तरह से इसका पैटर्न होगा, तो हम लोगों ने सभी जितनी भी ट्रेड वाइज एसोसिएशन ने उनसे सबसे बात की है, बिल का प्रारूप भी हमने सभी लोगों को भिजवाया है, और फिर भी अगर किसी को बिल कैसे इश्यू करना है या कोई प्रक्रिया समझ में नहीं आ रही है तो विभाग तत्पर है, और हमारी हमने यहाँ पर 16 अधिकारियों की टीमें बनाई है और उनके सबके कार्य क्षेत्र अनुसार उनको आवंटन कर दिया है कि भाई किस जिले से, किस तहसील से, किस मार्केट से, किस अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर और अखबार के माध्यम से उन्हें विज्ञप्तियाँ भी जारी कर दी है, और डेली हमारे पास हर क्षेत्र से हर अधिकारी के पास कोई ना कोई जीएसटी संबंधी क्वेरी जाती है, और हमारे अधिकारी दिन रात सतत इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं और जो भी शंका समाधान होते हैं उनका निराकरण कर रहे हैं, और विभाग सदैव तत्पर है व्यापारियों के सहयोग के लिए। भीलवाड़ा हलचल के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे गोकुलराम जी चौधरी, जिन्होंने जीएसटी से जुड़े प्रत्येक सवाल का बड़ी ही सरलता से जवाब दिया। तो इससे निस्संदेह जो व्यापारी हैं उन्हें जीएसटी को लेकर के उनके मन में जो भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी, और साथ ही साथ जैसा गोकुलराम जी चौधरी ने कहा है कि अगर इन बातों के अलावा भी, जो भी हमने की है इनके अलावा भी अगर उनके मन में कोई प्रश्न है, कोई भ्रांतियाँ हैं, तो वो निसंकोच आकर के और विभाग में संपर्क कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ ओम कसारा, भीलवाड़ा हलचल के लिए।